नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गन्ने की रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित, ना गिरेंगी और ना सूखेंगे। पॉलिट्री उद्योग की कमाई में 30% वृद्धि का अनुमान। भंडार गृह बनाने लाखों का अनुदान। सामूहिक खेती करने पर मिलेगी 90% की सब्सिडी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश स्थित सेव रही गन्ना शोध संस्थान और बाबू गेंदा सिंह प्रजनन व अनुसंधान केंद्र के द्वारा गन्ने की उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। गन्ना शोध संस्थान ने ऐसी किस्म तैयार की है जो ना तो सूखेगी और ना ही गिरेगी। इससे एक एकड़ में लगभग 400 प्रति क्विंटल उपज मिलती है। इसके अलावा इसमें चीनी की परत भी अच्छी है। तो वहीं बाबू गेंदा सिंह प्रजनन और अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने BO91 से क्रॉस से कोसे 11,453 प्रजाति किस विकसित की है। यह औसत 400 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार देती है। नवंबर माह में ही इस प्रजाति में चीनी की परत 11.7 और मार्च में 13.45 रहती है। नवंबर में ये वैरायटी 11.72 की रिकवरी देगी। इन दोनों प्रजातियों में रेड रॉट रोग नहीं लगता। बता दें कि किसान फार्म में पहुंचकर इस बीज से तैयार गन्ना भी देख सकते हैं। भारत में अंडा और मुर्गी के मांस की मांग लगातार बढ़ रही है। इसका सीधा फायदा मुर्गी पालकों और पॉल्ट्री उद्योग को हो रहा है। मुर्गी दाने, सोयाबीन व अन्य मुर्गी आहार की लागत बढ़ने के बाद भी पॉल्ट्री उद्योग की कमाई में वृद्धि हो रही है। क्रिसिल रेटिंग्स के द्वारा जारी रिपोर्ट में इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में पॉल्ट्री उद्योग की कमाई में 30% वृद्धि का अनुमान है। यदि ये अनुमान सच होता है तो पॉल्ट्री उद्योग 2,50,000 करोड़ पर पहुंच जाएगा। इसका मुख्य कारण लगातार बढ़ती मांग को माना जा रहा है। हालांकि मुर्गी आहार के महंगे होने से मुर्गी पालन की लागत बढ़ रही है, लेकिन अंडे की मांग, खपत और कीमत बढ़ने से उद्योग को बेहतर फायदा होने की उम्मीद है। बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड के कारण पिछले 2 सालों से पॉल्ट्री उद्योग की वृद्धि रुकी थी, लेकिन अब आने वाले वर्ष में इसकी मांग बढ़ेगी। भारत सरकार ग्रामीण भंडारण योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह उपलब्ध करवाए जाएंगे। योजना के अंतर्गत SC/ST वर्ग को कुल लागत का 1/3 हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। अगर भंडार गृह का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति किसान है तो किसान ग्रेजुएट है या फिर सहकारी संगठन से संबंध रखता है तो उसे कुल लागत का 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य श्रेणियों के लोगों को भंडार गृह का निर्माण करवाने पर कुल लागत का 15% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। सब्सिडी लेने के लिए गोदाम की क्षमता न्यूनतम 100 टन होनी चाहिए। आप www.nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी नाबार्ड कार्यालय में संपर्क करें। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सामूहिक खेती करने पर किसानों को 90% सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अधिक से अधिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण गठित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना, किसानों के कल्याण व उनकी आमदनी बढ़ाने के प्रयास करना है। प्राधिकरण में अलग अलग फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय काम करने वाले 5 से 6 किसानों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। इस प्रकार कई ग्रुप बनाए जाएंगे। ये ग्रुप कृषि क्षेत्र में सुधार व आय बढ़ाने संबंधी सुझाव सरकार को देंगे। सरकार उनके सुझाव को क्रियान्वित करने का कार्य करेगी। इसके अलावा भविष्य में किसानों के द्वारा साझा किए गए सभी प्रमुख सुझावों को राज्य की योजनाओं में भी शामिल किया जाएगा। तो किसान भाइयों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषिफाई के साथ। धन्यवाद।